M3 Media Productions. क्या हो गया, पागल हो गया क्या? अब अपना होलिया देख, पागल आदमी। एक काम करे, इस ईद पे अल्लाह मियां चार पैसे देना तो दो चार अच्छे जोड़े सिलवा लियो। इंसान का बच्चा बन बे, क्या गरीब समझ रहे तू? अबे हमारे पास पैसा था, पैसा रहेगा और पैसा है। अबे खानदानी आदमी, हम खानदानी आदमी। तू खानदानी है, हम क्या मैदानी है? कैसे खानदानी है तू? मेरे दादा का पूछ किस जाके। क्या पूछू? मेरे दादा के पास इतनी जमीन थी कि बंदा सुबह निकले साइकिल चलाने के लिए, शाम तक साइकिल चलाता रहे, जमीन खत्म नहीं होगी। हाँ, अब बता गरीब कौन है, तू या मैं? नहीं, मुझे नहीं बोलिए गरीब। अबे हम भी खानदानी आदमी है, मेरे दादा का पता है तेरे को? क्या? मेरे दादा के पास तो इतना लंबा बांस था, बादलों को छूता था, हिलाते थे बारिश होती थी बारिश। छोड़ो। क्यों? अबे तेरे दादा इतना बड़ा बांस रखते कहाँ थे? तेरे दादा की जमीनों पे। भाई आइए, वकील साहब आइए। अरे अंदर घुसे चले। अरे आप तो माफी दे दी, आप तो मुसलसल थूके चले जा रहे हैं। अरे कौन बुरा है भाई? वकील साहब आपको बुलाने का मकसद है। हाँ, वो ये बताइए, आपसे मशवरा करना है। हाँ, बीवी को तलाक देनी है मुझे। बीवी को तलाक देनी है? इसके लिए मुझे बताइए खर्चा क्या है? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बीवी को तलाक देनी है मुझे भाई। अच्छा भाई, 15,000 पर पेशी मेरा जी जी, और तकरीबन अदालत की फीस रसम मिला हम लोग के। हाँ, तकरीबन 2,00,000 रुपए। 2,00,000? 2,00,000। अरे इतना खर्चा तो मेरी शादी पे नहीं हुआ। तो कितना खर्चा हुआ था शादी पे? 2,000 रुपए का खर्चा हुआ। 2,000? तो भैया सस्ते काम का तो यही अंजाम होता है। आज दरवाजा खुला हुआ है। परेशानी, नौकरी धंधा नहीं है, या तो नजूमी के पास। नजूमी के पास? हाँ यार। अबे नजूमी बाबा, ये सब फ्रॉड होते हैं। नहीं नहीं, वो अच्छा आदमी यार है। उसने मुझे कहा भाई जाकिर तुम मुर्गे का सदका दे दे। सदका दिया? मैं सुबह से घूम रहा हूँ गली में, किसी का मुर्गा हाथ ही नहीं आ रहा है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये नजूमी, ये सब फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड। अबे ये काम तो मुझे मेरे दादा, मेरे परदादा यही काम करते थे, मुझे भी ये काम आता है। मैं तो बताता नहीं किसी को। क्या कह रहे शकील तू? हाँ हाथ देख लेता हूँ। अबे तू मेरा हाथ देखना यार, बहुत ही गंदा धोया नहीं क्या? अबे नहीं नहीं, वो लकीरें जो होती हैं भाई। अच्छा, किस्मत का हाल? हाँ यार, ले भाई तेरी किस्मत का हाल। खैर, वाह वाह वाह, ले भाई तेरी किस्मत कह रही है। क्या? 2 साल तू परेशान रहेगा। 2 साल बस? हाँ, उसके बाद? उसके बाद तुझे आदत पड़ जाएगी। चलो सही है। क्या? हाँ नहीं नहीं, घबराओ नहीं। मैं एक काम करते हैं कि वो मैंने 2 टिकटें बुक करवा दी फिल्म की, 3-6 पे चलते हैं। हाँ, तुम स्टॉप पे मिल जाना, मैं पिक कर दूंगा तुम्हें। हाँ हाँ, तुम भी तो बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो फिर मैं बाद में बात करता हूँ। किससे बात कर रहे हो? कुछ नहीं, वो मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी है ना बेचारी, उसकी माँ बीमार है, तो कह रही है सर मुझे कुछ लोन चाहिए। माँ बीमार है? सेक्रेटरी जवान है या बुढ़िया है? होगी 45-46 साल की। चलो ठीक है। अच्छा हाँ, मैं ये कहने आई थी कि मुझे 35,000 रुपए दे दो फटाफट। 35,000 रुपए फटाफट? किस चीज के लिए? कपड़ों के लिए। अरे भाई, अभी तुमने वो 75,000 रुपए का इम्पोर्टेड जो सूट तुम्हें सिलवाया है और वो अभी तक पहना ही नहीं तुमने, वो जो वो कहाँ गया? Oh my God, 15 दिन पहले की बात कर रहे हो, टेलर ने दिए ही अभी तक सीखे। अब बताओ ना, फैशन चला गया तो कि मैं ओल्ड फैशन कपड़े पहनूंगी? इम्पॉसिबल। 15 दिन में फैशन चला गया 75,000 रुपए? अरे नहीं नहीं, मैं आ नहीं सका, उसकी माफी चाहता हूँ। लेकिन मैंने उसको भेज दिया ना, जाकिर को। क्या हो गया तू? तो बस रो के भूल गया तू। बात सुन,
हुआ क्या? तेरे को तो भेजा था शादी के अंदर जाहिद की। शादी शादी नहीं गया था मैं। तो क्या खाना नहीं मिला? अबे नहीं ये बात नहीं है। वीडियो नहीं बनी? अबे नहीं ना। पैसे नहीं लुटाए? अबे नहीं। बारात तैयार थी। हाँ। मैं भी जाके बैठ गया तो मैंने देखा शाहिद भाई की तब्बू है ना। हाँ। वो कहीं उठ के जा रहे हैं। मैंने खालू कहाँ जा रहे हो? कह रहा मैं जा रहा हूँ बर्फ लेने के लिए। मैंने कहा आप बैठो मैं चले जाता हूँ। सही है। थोड़ी देर के बाद ना जाहिद के मामू उठे। मेरे मामू कहाँ जा रहे हो? कह रहा मैं जा रहा हूँ बाजे वालों को लेने। मैंने कहा आप बैठो मैं चला जाता हूँ। सही है। थोड़ी देर के बाद जाहिद के फूफा उठे। मैंने फूफा कहाँ जा रहे हो? कह रहे काशी को लेने। मैंने कहा आप बैठो मैं चला जाता हूँ। वेरी गुड। रोजाली कौन सी बात है? पूरी शादी में मैं खुश था। हाँ। रात के 2 बजे दूल्हा हाँ। कहने लगा हाँ। मैं जा रहा हूँ दूल्हे के कमरे में। हाँ। मैंने कहा भाई आप बैठो मैं चला जाता हूँ। हाँ। बस कर दिए। क्या हो गया? क्यों तपा हुआ है? मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं तेरे घर आऊं तेरे पास आऊं। शर्म आती तुझे दोस्त कहते हुए यार। ये क्या बातें कर रहे हैं मोहल्ले वाले? अरे वो तो कल मोहल्ले से मुर्गी चुराई थी, माफी मांग तो ली थी शुक्र भाई से। वो बात नहीं, वो तो सबको पता है। है क्या हो गया तुझे यार? क्या होगा कुछ बता तो सही। शर्म नहीं आती? नफरत है मुझे यार। मैं तो सोच रहा हूँ उससे बात करूं नहीं करूं कैसे करूं। तो हुआ क्या वो तो बताना यार। लोग कह रहे हैं, मैं तो आज सुना लोगों से क्या कि तूने अपनी बीवी को डरा के धमका के है पांव की जूती समझता तू उसको है? इतना तूने डरा के धमका के रखा उसको तूने? तेरे सामने वो बात नहीं कर सकती? नहीं नहीं असल असल नहीं 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 बुरी बात है। असल में तू समझ नहीं रहा, वो बात ये है कि बीवी को जो लोग कह रहे ना। नहीं नहीं वैसे तू समझे नहीं। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ खुदा के वास्ते मुझे भी बता दे ये सब कुछ तूने कैसे किया है। वेरी गुड वेरी गुड भाई, ब्लड प्रेशर बिल्कुल आपका नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब सिर्फ नब्ज चेक करते हैं। अल्लाह रहम करे। नहीं बहुत तेज नब्ज चल रही है, अपने घर वालों को बुला ले, फौरन बुला ले। देखे आप फौरन, इतनी तेज नब्ज मैंने कभी जिंदगी में नहीं किसी की तेज देखी। मैं कह रहा हूँ अपने घर वालों को बुला ले और अपने गुनाहों की माफी मांग ले, आपका आखिरी वक्त है। क्या हो गया? तौबा तौबा, बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज बहुत तेज नब्ज है भाई। बात सुनो। हाँ सच्ची मुच्ची डॉक्टर हो? अल्हम्दुलिल्लाह। डिग्री भी है? हाँ डिग्री है। क्लिनिक भी है? हाँ। कौन जाहिल कह रहे हैं? क्यों अब मेरी नब्ज तेज नहीं चल रही है? डंगर डॉक्टर तुम्हारा हाथ 1 घंटे से मेरी घड़ी पे है, घड़ी तेज चल रही खराब है। हैं हैं हो गया ना परेशान, देख रहा है मेरा दिमाग? अपने आप को बहुत सही समझता है? वो तो हूँ बहुत सही समझता अपने आप को। एक सवाल का जवाब देगा? एक नहीं 500 पूछ। अरे 2-3 के जवाब दे रहे, लेकिन ऐसे जवाब नहीं दे रहे। डांस आते डांस? हाँ डांस तो मैंने बकायदा सीखा यार। बस ठीक है, काम करो, डांस करना है और साथ साथ मेरे सवालों का जवाब देना, दो काम एक साथ। ना रुके डांस, ना रुके सवालों का जवाब, तब मानूंगा सही डांस। तो सवाल कर, मैं डांस भी करता रहूंगा और जवाब भी दूंगा फर। चल शुरू करते हैं। 1 2 3 ये ले। नाम? जाकिर मस्ताना। कहाँ रहते? बलिया टाउन। शादीशुदा हो? बिल्कुल। बच्चे भी होंगे? 4 बच्चे। लड़के कितने लड़की कितनी? 1 लड़का 3 लड़के। शादियों कितना अर्सा हो गया? 12-15 साल। तुम्हारी उम्र? 40 साल। 40 साल का आदमी बहुत समझदार होता है। सही बात है। ये क्या पागलपन है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके।